रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा दलिया, जिसको कि दलिया का हलवा भी बोलते हैं, और खाने में तो टेस्टी है ही, साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर इवनिंग टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं। घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। मीठा दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे एक कटोरी हमने ये दलिया लिया है गेहूं वाला, और आप चाहे तो इसके जगह पर कोई भी दलिया का यूज कर सकते हैं जो आपके पास है। और थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है एक कटोरी, जितना ही हमने दलिया लिया है उसी हिसाब से हमने गुड़ भी लिया है। इलायची पाउडर लेंगे हम 1/4 चम्मच, और ड्राई फ्रूट लिया है हमने थोड़ा, काजू बादाम और किशमिश को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था। और 2 से 3 चम्मच हमें घी चाहिए, हलवा है वो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं और साथ साथ हेल्दी भी होते हैं घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक बर्तन चढ़ाएंगे और उसमें हम और सारे गुड़ को हम डाल देंगे, और उसके बाद जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया है उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। मान के चलिए कि 1 कटोरी हमने दलिया लिया है तो हम 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट होने तक इसे चलाते हुए पिघलाएं। गैस को हमने मीडियम ही किया हुआ है ताकि मीडियम गैस पर गुड़ है वो अच्छे घुल भी जाए और गुड़ जले भी नहीं। तो हमें इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस इतनी ही हमें गुड़ को पिघलाना है ताकि गुड़ है वो अच्छे से पानी में घुल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से पानी में घुल चुकी थी, तो हमने इसे एक साइड कर और उसी गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इस बीच अगर आपके पास ड्राई फ्रूट तले हुए नहीं तो आप ड्राई फ्रूट को पहले ही तल लीजिएगा। तो मैंने पहले ही ड्राई फ्रूट को तल लिया था घी में, और अब हम घी जैसे ही गर्म होगा इसमें दलिया डाल देंगे, और दलिया डाल करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही किया हुआ है और मीडियम गैस पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं कि दलिया का कलर है वो चेंज होने लगा है, और दलिया हमारे अच्छे से भून चुके हैं। 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगे ताकि दलिया का कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो देख सकते हैं कि दलिया का कलर है वो थोड़ा डार्क हो चुका है। अब हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पर इसे हम 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। तो 1 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, अब इसमें हम गुड़ वाले पानी डालेंगे। तो एक छलनी हमने ले लिया है ताकि जो गुड़ में थोड़े से गंदगी रहे तो वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से छलनी की मदद से हम गुड़ वाले पानी इसमें डालेंगे, और एक बार में हम सारे पानी को नहीं डालेंगे, इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा आप साइड से हट जाइएगा क्योंकि जो हम इसमें पानी डालेंगे वो तो गर्म है ही, और इसके छींटे हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा कड़ाही से दूर हो जाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे पानी को हमने बचे हुए पानी को भी डाल दिया है, और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गुड़ में थोड़े से रेसे थे वो निकल चुके हैं जाली की मदद से, और अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पर इसे चलाते रहेंगे। तो दलिया को हमें मीडियम टू हाई पर इस तरह से रखना है ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए, और दलिया हमारे देखिए परफेक्ट कुक हो रहे हैं। इस तरह से आप कंसिस्टेंसी रखिएगा तो दलिया अच्छे से कुक होंगे। दलिया में पानी की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है, देख सकते हैं, ताकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं और अच्छे से ये पक जाए। तो 10 से 15 मिनट लगे थे दलिया को पकाने में, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम फिर मीडियम कर दिया था, और मीडियम गैस पर ये आसानी से देख सकते हैं कि पक चुके हैं। अब दलिया है वो डार्क थोड़े हो गए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो इस बीच हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने बचा लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और उसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद इसमें हमने इलायची पाउडर भी मिला दिया है, और उसे भी हम लगातार इस तरह से स्पैचुला से चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि हलवा की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होने लगी है। इस बीच इसमें हम 1 चम्मच देसी घी भी मिला देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देसी घी मिलाने के बाद करीब 1 से 2 मिनट तक हम और कुक करेंगे, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो और भी ये ठीक हो जाएंगे। तो इसी स्टेज पर आप गैस को ऑफ और हलवे को एक
प्लेट में निकाल लीजिए। तब हमारा परफेक्ट हलवा बनकर के तैयार है। देख सकते हैं कि मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और कितने यम्मी और डिलीशियस हलवा बनकर के तैयार हुआ है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी ये हलवा है। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। With the